नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्विक चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के सामने ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप देखकर और खाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि आप मटन करी नहीं खा रहे। कटहल और आलू की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट, एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आप मटन करी खाना भूल जाएंगे। इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको आज बताती हूँ आलू कटहल की मटन वाले स्वाद की सब्ज़ी कैसे बनते फटाफट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो आज मैं आलू कटहल की ऐसी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो ये इस तरह से सब्जी बनाकर आप खा लेंगे तो चिकन मटन खाना भूल जाएंगे, इतना स्वादिष्ट लगता है आलू कटहल का सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी कटहल ले लिया है, इसे इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं इसे कुकर में डालूँगी सभी कटहल का। तो देखिए मैंने कुकर में डाल दिया है सभी कटहल को। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, पानी इतना होना चाहिए इसमें पूरा कटहल डूब जाए अच्छे से इस तरह से। और अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और इसे गैस पर चढ़ा दूँगी। देखिए गैस पे मैंने कुकर को चढ़ा दिया है, गैस को हाई फ्लेम कर दिया है। अब मैं इसमें तीन सीटी आने दूंगी, तीन सीटी आ जाएगा तो फिर मैं गैस को बंद कर दूंगी और जब इसका कुकर का सीटी निकल जाएगा तो मैं कुकर खोलूंगी। इधर मैंने एक केजी के लगभग आलू बॉईल कर लिया है, देख रहे हैं इस तरह से पहले से मैंने बॉईल करके रखा हुआ, इसे अच्छे से मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट करके रखे हैं, आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक कटहल हो रहा है तब तक मैंने आलू को यहाँ पे पीसेज में कट कर लिए हैं और मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है तीन चम्मच। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी और इसे सेलो फ्राई कर लूँगी जब तक कटहल हो रहा है। देखिए इस तरह से मैंने सभी आलू को डाल दिए हैं, अब मैं इसे थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। तो मैं आलू में थोड़ा सा डाल दे रही हूँ नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जल्दी फ्राई हो जाएगा और कलर भी अच्छा लगेगा। डाल कर मिला देती हूँ इसे। और मेरा कटहल अब मैंने बंद कर दिया गैस, तीन सीटी मार चुका था तो मैं दूसरा पैन इस पर गैस पर ले लिया है मैंने, चढ़ा दिया है और इसमें मैंने तीन चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें फ़ौरन डालूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं आपको फ़ौरन दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा, कुछ दाने मैंने गोल मिर्च के लिए है, कुछ मैंने यहाँ पर लौंग लिया है, दो इलायची लिया है और दो तेज पत्ता लिया है मैंने। यहाँ पर कुछ दाने दालचीनी के लिए हैं। इन सभी को मैं ऑयल में डाल देती हूँ और चटकने देती हूँ। और साथ ही मैं डाल देती हूँ यहाँ पर दो मैंने हरी मिर्च कट करके रखे थे और साथ में फ़ौरन चटक चुका है, मैं प्याज डाल देती हूँ जो मैंने कट करके रखे थे और अच्छे से मिला देती हूँ। और इसे लाल होने तक मैं भूनूंगी, गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूंगी। इधर आलू मेरा फ्राई हो चुका है हल्का, देख रहे हैं, तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो देखिए प्याज मेरा फ्राई हो रहा है, इधर मेरा कटहल भी बॉयल हो चुका है। तीन सीटी मारा था तो मैंने गैस बंद कर दिया और जब कुकर का सीटी निकल गया तो मैंने इसे खोल कर निकाल लिया। देखिए कितना अच्छे से पक चुका है। तो मैंने जिस बर्तन में आलू फ्राई किया था उसी में मैंने फिर से दो चम्मच ऑयल डाल दिया है और उसमें मैं डाल दूंगी कटहल इस तरह से और इसे ही फ्राई कर लूँगी। अच्छे से लाल नहीं हो जाता तब तक फ्राई करूँगी, फिर गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। तो जब तक यहाँ पर मेरा प्याज फ्राई हो रहा है देख रहे हैं और इधर कटहल भी फ्राई हो रहा है तब तक मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। तो सूखे मसाले मैंने लिए हैं, यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी आधा चम्मच, एक चम्मच से थोड़ा कम मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, यहाँ पे डेढ़ चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये तीखा नहीं होता है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने एक चम्मच जीरा पाउडर लिया है और एक चम्मच से थोड़ा कम मैंने गोल मिर्च पाउडर लिया और यहाँ पर मैंने चिकन मसाला लिया है डेढ़ चम्मच। इन सभी को मैं एक बर्तन बाउल में डाल दूँगी और डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ अच्छा सा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी का इस तरह से डालने से मसाले। और यहाँ पे मैंने दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है जिसे मैं अब इस प्याज में डाल देती हूँ। 80% लगभग प्याज पक चुका है देख रहे हैं, अब मैं इसको भी डाल देती हूँ और इसे भूनूंगी जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता है।
आप चाहे तो लहसुन अदरक को कट करके भी या घस करके भी डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको आसान लगे। इसमें मिला दिया तो देखिए कटहल कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और आगे का प्रोसेस दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो लहसुन अदरक डाला था प्याज में वो भी भुना चुका है। और यहाँ पर जो मैंने मसाले लिए थे तो मैंने इस तरह से पानी डालकर तैयार कर लिया है। तो मैं इन सभी को इसमें ऐड करूँगी। तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे तो तीखा ज़्यादा पसंद है तो मैंने तीखा डाला। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। मैंने फ़ोरन में भी डाला है और ऐसे भी डाला है। इस तरह से मसाला मैंने डाल दिया है। यहाँ पे जो बचा हुआ लगा हुआ बर्तन है इसमें भी पानी डालकर थोड़ा सा मिलाकर इसमें डाल दूँगी। देखिए डाल दिया मैंने। इसे 2 से 3 मिनट तक अभी भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। देखिए 3 मिनट का लगभग हो चुका है भूनते हुए मसालों को। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज का टमाटर लिया था, इसका अच्छे से मैंने प्यूरी बना लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं या ग्रेटर से ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैंने इसे मिक्सी ग्राइंडर किया है। अब मैं डाल देती हूँ और अब मैं इसे तब तक भूनूंगी जब तक कि मसाले में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी 1 चम्मच छोटा चम्मच नमक। नमक मैंने पहले भी कटहल में भी डाला है और आलू में भी डाला है, तो आप अपने अनुसार स्वाद अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। डाल कर मैंने मिला दिया। मैं यहाँ पर 6 से 7 लोगों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। अब मैं इसे ढक देती हूँ और ढक कर बिजली से चलाते हुए गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी और पकाऊँगी। तो देखिए 7 से 8 मिनट के लगभग मैंने मसाले को भूना है लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक कर। देखिए कितने अच्छे से ऑयल मेरा सेपरेट हो चुका है मसालों में से, मसाला भुना चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने कटहल फ्राई करके रखा था, उसे डाल कर अच्छे से मिला दूँगी मसालों में। और साथ ही मैं ऐड करूँगी जो मैंने आलू फ्राई करके रखा था। इन सभी को अच्छे से मिला देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने मसालों को आलू और कटहल में मिला दिया है। 2 मिनट तक मैं इसे भूनूंगी। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है इसे फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो आप चाहे तो सूखा भी इस तरह से खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा क्योंकि आलू भी पका हुआ है फ्राई है और कटहल भी। तो आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे लटपट सूखा बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेवी वाले बना रही हूँ तो मैं इस पर 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। और देख लेती हूँ अगर अच्छे से ग्रेवी नहीं हुआ तो और डालूँगी। देखिए 1 कटोरी पानी काफ़ी है, इस तरह से अच्छे से ग्रेवी हो गया। मैंने गैस को हाई फ्लेम कर दिया, इसमें एक उबाल आने दूंगी। देखिए कितने अच्छे से सब्जी में उबाल आ गया है ग्रेवी में। तो मैं गैस को लो टू मीडियम फ्लेम कर देती हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, डालकर इसे अच्छे से मिला दूंगी। इस तरह से मिला दिया मैंने। अब मैं ढक कर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी ताकि मसाले में ग्रेवी जो है वो अच्छे से मिल जाए सब्जी में आलू और कटहल में। 3 मिनट के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और सर्व करूंगी। तो देखिए 3 मिनट हो चुका है, मेरा सब्जी बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है देख के, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। कुल देख कर लग रहा है ना कि मटन करी की तरह इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ। तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ इस तरह से। और आप चाहते इसे धनिया पत्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। मैं इसे करी पत्ता से गार्निश कर रही हूँ। करी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद भी होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी को मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, फिर से मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।